क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है y1 एंड y2 एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, एंड हमें दिया गया है y3 एंड y4 वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y3 एंड y4 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, कब होगा, ए एंड बी, ए बी सी डी में रिलेशन, कौन सा रिलेशन के लिए ये होगा, तो देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमें, y1 एंड y2 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ओके, एंड y3 एंड y4 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कब होगा, जब यह इसका रॉन्सकिन जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए। वो रॉन्सकिन क्या होता है, y3 y4 एंड y3 डैश एंड y4 डैश का डैश मतलब डेरिवेटिव, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, ओके। अच्छा तो देखो डिटर्मिनेंट जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया है वो x है, y जो है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर। अच्छा y3 क्या है, ay1 प्लस by2, ay1 प्लस by2, y4 जो है वो है cy1 प्लस dy2, तो y3 डैश क्या होगा, ay1 डैश प्लस by2 डैश, y4 डैश होगा cy1 डैश प्लस dy2 डैश। अब देखो इस ये जो डिटर्मिनेंट है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ay1 cy1 ay1 डैश सॉरी एक मिनट ay1 प्लस हम dy2 लेंगे एंड ay1 डैश dy2 डैश प्लस by2 cy1 by2 डैश cy1 डैश। देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये तो डिटरमिनेंट है तो इस कॉलम से हम ए को कॉमन लेंगे एंड इस कॉलम से डी को कॉमन लेंगे, तो ए डी आ गया बाहर, यहाँ पर है y1 y2 y1 डैश y2 डैश प्लस यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से बी को बाहर कॉमन लो, सेकंड कॉलम से सी को, तो यहाँ पर आएगा y2 y1 y2 डैश y1 डैश, ओके। अच्छा अब देखो डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, ए डी इंटू y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2 प्लस बी सी इंटू y2 इंटू y1 डैश माइनस y1 इंटू y2 डैश, ओके। अच्छा देखो यहां से एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएगा, तो यहां से हम इसे कॉमन ले सकते हैं y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2, तो यहां पर आएगा ए डी माइनस बी सी, अब समझ गए होंगे। अच्छा अब देखो y1 एंड y2 हमें क्या बोला गया था, ये जो दिया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये है y1 एंड y2 का रॉन्सकिन। अच्छा तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इनका रॉन्सकिन जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ओके। अच्छा आप बात करते हैं इन दोनों का y3 एंड y4, y3 एंड y4 कब y3 एंड y4 कब होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जब ये जो हमने रॉन्सकिन लिया है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ही, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ए डी माइनस बी सी जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ओके। तो इसका मतलब ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी, तो
कौन सा ऑप्शन ट्रू है, d नॉट इक्वल टू bc, तो ऑप्शन नंबर c इज ट्रू. ओके, ऑप्शन नंबर c इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है y1 एंड y2 ये दोनों ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है एक इंटरवल i में, एंड ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो y1 क्या होगा. ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमें y1 निकलना है. तो एक काम करो, यहाँ से आप dy2 dx फाइंड कर लो, यानी यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे y2 को. dy2 dx क्या आएगा, 6y1 minus 2dy1 dx. ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो dy2 dx आ जाएगा, d2y1 हो जाएगा dx2 माइनस dy1 dx माइनस dy2 dx, और e to the power x को करेंगे तो e to the power x ही रहेगा. ओके, एंड तो ये क्या आएगा, यह जो dy2 dx है यहां से हम यहां पर पुट करेंगे, तो आएगा यह तो d2y1 dx2 है माइनस dy1 d x है, तो माइनस dy2 dx क्या है, 6y1 माइनस 2dy1 dx है. ओके, तो दिस इक्वल्स टू है e टू द पावर x, एंड दिस इंप्लाइज, एक काम करो ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट को उठाएंगे तो आएगा तो dy1 dx2 तो यहां पर है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो आएगा माइनस dy1 dx प्लस 2dy1 dx, तो आएगा प्लस dy1 dx, एंड यहां पर माइनस 6y1 इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो dy तो d2 d सॉरी d dx को हम d लेते हैं, तो ये आएगा d स्क्वायर प्लस ये आएगा d माइनस 6y1 इक्वल्स टू e टू द पावर x. तो देखो इसे हम d माइनस 3 सॉरी d प्लस 3 इनटू d माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, तो यहां से तो दिस इक्वल्स टू अगर हम 0 लिखेंगे तो यहां से आता है d इक्वल्स टू 2 कमा माइनस 3. ओके, तो हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा cf जो मिलेगा वो cf क्या होगा, cf होगा c1 एक कांस्टेंट है तो c1 इनटू e टू द पावर 2x प्लस c2 इनटू e टू द पावर माइनस 3x. ओके, अच्छा तो अब pi निकलना है. ठीक है, तो pi क्या होगा, yp इक्वल्स टू 1 बाय ये क्या है d स्क्वायर प्लस d माइनस 6 इनटू दिस e टू द पावर x. अच्छा, तो ये क्या आता है, e x का साथ x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो एक काम करो यहां पर d के जगह 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस d के जगह 1 माइनस 6 e टू द पावर x बाय दिस, दिस इक्वल्स टू e टू द पावर x बाय होगा माइनस 4. ठीक है, अब देखो जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा हमें y, y क्या होगा yc plus yp मतलब cf plus pi, तो cf क्या है c1 into e to the power 2x plus c2 into e to the power minus 3x plus pi, pi क्या है minus 1 by 4 into e to the power x, तो option number c is true. Next question number 18a, यहाँ पर हमें बोला गया है 1 plus x square into y double dash minus 2xy dash plus 2y equals to 0, इसका एक solution है y1 x equals to x, तो जो second solution होगा वो क्या होगा वो हमें find करना है. ये हमारा given differential equation है, तो इसे हम क्या करेंगे both side को 1 plus x square से divide कर देंगे, तो ये आएगा y double dash minus 2x by 1 plus x square into y dash plus 2 by 1 plus x square into y equals to 0. अच्छा,
अब देखो हमें जो x सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या है, y1 equals to x, तो नाम दो इसे, लेट करो u, u equals to x है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y, y equals to होता है u into v, u v मान लो सेकंड सॉल्यूशन है, तो x into v होगा, this equals to, अच्छा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो इसे आप नंबर वन दे दो, ठीक है, नंबर वन इक्वेशन रिड्यूस होके आएगा डी टू भी डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू बाई यू डी यू डी एक्स इंटू डी भी डी एक्स इक्वल्स टू आर बाई यू, ये पी आर क्या है, पी है ये, पी है ये, ओके, एंड आर क्या है, आर है ये जीरो, यहाँ पर आर इक्वल्स टू जीरो है, तो पी का वैल्यू पुट करते हैं, पी क्या है माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई यू, यू क्या है एक्स डॉट डी यू डी एक्स, डी यू डी एक्स क्या आएगा वन आ जाएगा क्योंकि यू इक्वल टू एक्स है, इंटू डी वी डी एक्स इक्वल टू आर, आर है जीरो, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज डी टू भी डी एक्स टू, ओके, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसल, डी भी डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड एक काम करो यहाँ पर, यहाँ पर हम डी भी डी एक्स को हम क्यू लिख लेते हैं, ठीक है, तो डी टू भी डी एक्स टू क्या आएगा डी क्यू डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा प्लस टू बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू जीरो, ओके, अच्छा एक काम कर दो, काम करो अब बोथ साइड को q से डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड dx से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा dq by q plus 2dx by x into 1 plus x square equals to 0, हाँ यहाँ पर हमने खामखा LCM किया, अगर LCM नहीं करता तभी अच्छा रहता, तो ये क्या आएगा dq by q equals to, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था माइनस 2x by 1 plus x square plus 2 by x, यहाँ पर dx होगा एंड dx होगा, this equals to 0, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो क्या आएगा ln q माइनस, यहाँ पर होगा ln 1 plus x square plus ln 2 ln x equals to ln c, ln c एक कांस्टेंट है c, अच्छा तो this imply क्या हो रहा है, this imply कर रहा है ln q by 1 plus x square, okay, into 2 इधर जाएगा x square हो जाएगा equals to ln c, okay, this implies q by q into x square by 1 plus x square equals to c होगा, ओके, अच्छा अब देखो एक काम करते हैं हम बोथ साइड को हम 1 प्लस x square से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड x square से डिवाइड कर देते हैं, तो इस साइड पे क्या आएगा c into 1 plus x square by x square, ओके, यहाँ पर आएगा q, q क्या हमने लेट किया था, q था dv dx, ओके, अच्छा तो v क्या आ रहा है c into, एंड देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 by x square plus 1, ओके, dx, v equals to this, ओके, देखो यहाँ पर और एक कांस्टेंट आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा, इसे नाम दे दो c1, तो ये हो जाएगा c2, अच्छा तो
v cos 2 क्या होगा, यहां से c1 1 by square को करेंगे तो आएगा minus 1 by x, okay, and plus 1 को करेंगे तो आएगा x plus c2, ठीक है। अच्छा आप देखो, v हमें मिला है ये, u था x, अच्छा तो हमें y general solution वो find करने की जरूरत नहीं है, हमें v ही चाहिए, तो c1 into x minus 1 by x plus c2, ये है सेकंड लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सॉरी सॉरी ये सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं कि हम यहां से एक काम करो, पहले हम y फाइंड कर दो, y क्या है, u इनटू v है, ठीक है, तो ये है v, ये है v, तो v से u को मल्टीप्लाई कर दो, u क्या है x, तो इससे x को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, c1 into x square minus x into 1 by x, मतलब 1 प्लस c2 x। अब देखो u क्या था, x ये है u, तो ये होगा v, सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो हमें मिल रहा है वो क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट 18b, इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 4x log x, इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है तो इसे हमें सॉल्व करना है, ओके, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई क्या होगा, d into d minus 1, यहां पर हम d डैश लिखते हैं, कोई बात नहीं, d या d डैश लिख दो, d होगा ये minus 1 into y equals to 4x को हमने क्या लेट किया, e to the power z, e to the power z, तो यहां से क्या होगा, log x जो आएगा वो होगा z into z, तो this imply z square d square minus d plus d होगा, cancel हो जाएगा, minus 1 y equals to 4z into e to the power z, तो अब यहां पर d square minus 1 equals to 0 रख दो, तो d क्या आता है, plus minus 1, अब देखो d आ रहा है plus minus 1, तो जो cf आएगा वो क्या होगा, c1 plus e to the power z plus c2 into e to the power minus z, अच्छा अब e to the power z क्या है, x, e to the power minus z क्या होगा, x to the power minus 1, अब हमें pi find करना होगा, pi क्या होगा, 1 by ये d square minus 1 into 4z into e to the power z, ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, पहले 4 को आगे ले जा सकते हैं हम, ठीक है, हम एक काम करते हैं 4 into e to the power z, इसे ही हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो देखो e to the power z आगे चला गया, इसका मतलब है d के साथ z का जो कोफिशिएंट है उसका प्लस हो जाएगा, z का कोफिशिएंट है 1, तो d plus 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 z, ठीक है, अच्छा तो this equals to 4 into e to the power z, ये क्या है, ये क्या होगा, 1 by d square plus 2d plus 1 होगा, plus 1 minus 1 है, तो cancel हो जाएगा z, एक काम करो यहां से d common ले लो, d नहीं यहां से हम 2d common ले लेते हैं, तो 4 into e to the power z 1 by 2d into 1 plus d by 2, ओके, z, ठीक है, अब इस 2 से 4 गया, 2 हुआ, यहां से, अच्छा देखो, 1 by d मतलब क्या है, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर है 2 into e to the power z, और यहां पर है 1 plus d by 2, हाँ, and 1 by dz, मतलब z को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा, z स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अच्छा अब देखो ये यहां पर है e to the power z एंड ये 1 plus d by 2 होल टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, z स्क्वायर e to the power z, इससे अब हम ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा, 1 minus d by 2 plus देखो 1 plus x whole to the power minus square minus 1 का फॉर्मूला क्या है, 1 plus x
होल टू द पावर माइनस वन, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस कंटिन्यू. तो ये क्या होगा, वन माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू होल टू द पावर सॉरी होल स्क्वायर होगा. ओके माइनस अप टू चलता जाएगा. अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा e टू द पावर z. अच्छा यहाँ पर z स्क्वायर है, ठीक है. तो z स्क्वायर को अंदर ले आओ, तो यहाँ पर 1 इंटू z स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पर है हाफ d z स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर को 1 टाइम डेरिवेटिव, तो आएगा 2z बाई 2 प्लस या 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर है d स्क्वायर मतलब z स्क्वायर को 2 टाइम्स द डेरिवेटिव, ठीक है. तो 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 2 बाई है 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस देखो इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा 0, ठीक है. अच्छा दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड इन टू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस हाफ. ई टू द पावर जेड हमने क्या लेट किया था, एक्स, एंड तो जेड स्क्वायर क्या था, लॉग एक्स था हमें, तो लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस जेड था लॉग एक्स प्लस हाफ. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. सी एफ क्या था, सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स टू माइनस वन, एंड पी आई था एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ. ओके अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस हाफ इंटू एक्स, ठीक है. एंड यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, c1, एंड यहाँ पर x का कोफिशियंट है हाफ, तो दोनों को एक साथ करो, c1 प्लस हाफ इंटू एक्स लिख सकते हैं हम ऐसा, एंड प्लस c2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, ये प्लस x इंटू, इन दोनों को एक साथ रख दो, इस लॉग एक्स को मान लेते हैं तो आएगा log x माइनस वन. ओके अच्छा इन दोनों को एक साथ किया हमने, एक इन दोनों को एक नया नाम दे दो, c1 डैश लिख दो, x प्लस c2 इंटू x टू द पावर माइनस वन प्लस x log x इंटू log x माइनस वन. ओके ये है हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19a, उसमें हमें दिया गया है फाइव डैश एक्स जो है वो लेस इक्वल टू 1 प्लस 3 फाइव एक्स है, x अपोजिट टेबल 0.1 पर बिलोंग कर रहा है, 50 इक्वल्स टू 0 है, तो हमें दिखाना है 3 5x लेस इक्वल्स टू e टू द पावर 3x माइनस 1. अच्छा एक काम करते हैं, 5x को पहले हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ठीक है. दिस इंप्लाइज 5 डैश मतलब d5 dx माइनस 3 5, 5x को हम 5 से ही लिख रहे हैं, लेस इक्वल्स टू 1. एक काम करो हम यहां पर दिस इंप्लाई है बोथ साइड को हम e टू द पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ठीक है, e टू द पावर यहाँ पर माइनस 3x, तो 1 इंटू e टू द पावर माइनस 3x होगा, ठीक है. बोथ साइड को हमने e टू द पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा, ये जो आएगा लेफ्ट साइड में ये आएगा d dx e टू द पावर माइनस 3x इंटू 5 लेस इक्वल्स टू है e टू द पावर माइनस 3x. ओके दिस इंप्लाई क्या होगा, दिस इंप्लाई होगा dx को साइड पे ले जाओ एंड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर आएगा e टू द पावर माइनस 3x इंटू 5 लेस इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस 3x बाई माइनस 3 प्लस एक कॉन्स्टेंट c है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड को आप e टू द पावर 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा 5 लेस इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 है प्लस c इंटू e टू द पावर 3x, ठीक है. अच्छा अब देखो हमें क्या दिया गया था, 50 हमें 0 दिया गया था, 50 दिया गया है 0, तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप x के जगह 0 पुट कर दो, तो 5 हो जाएगा 0 लेस इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 होगा एंड प्लस c इंटू e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1, तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, c क्या है, c जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू है 1 बाई 3.
तो c क्या होगा, c 1 by 3 या 1 by 3 से बड़ा होगा, 3 c 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, c 1 by 3 या 1 by 3 से बड़ा होगा, तो ये c का जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हम यहां पर c की जगह 1 by 3 लिख देते हैं, यहां पर क्या है phi था, phi less equals to minus 1 by 3 plus 1 by 3 e to the power 3x, ठीक है, c का मिनिमम वैल्यू है 1 by 3, तो this imply क्या हो रहा है, यहां पर बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 3 phi less equals to ये है e to the power 3x minus 1, यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। 19b जो दिया गया है हमें, उसमें हमें बोला गया है y1 y2 y3 ये तीनों एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका सॉल्यूशन है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखो ये हमें दिया गया है 19b y1 y2 y3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का तीन सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा तो देखो अगर हम मान ले कि ये y1 एंड y2 ये दोनों cf का सॉल्यूशन है, ठीक है, cf का अगर सॉल्यूशन है तो हम देखते हैं, अच्छा ब्रैकेट उठाकर देखते हैं, हम पहले x माइनस आ रहा है 2x स्क्वायर एंड यहां से आ रहा है 2x माइनस 2x स्क्वायर एंड यहां से आ रहा है x into, सॉरी यहां पर ब्रैकेट देखो उठाकर, ठीक है, देखते हैं e to the power x minus 2x square, हम पहले मान ले कि y1 and y2 जो है ना ये cf में आता है, ठीक है, अगर ये cf में आ रहा है तो जो cf हमें मिलेगा yc equals to होगा मान लो a into y1 plus b into y2, okay, अच्छा तो ये क्या होगा, this equals to क्या होगा, c1 into y1 है x minus 2x square plus b into 2x minus 2x square, this implies x को common ले लो, तो क्या आएगा c1 plus 2b into x minus, अब sorry b नहीं, हमने क्या किया, ये c2 है 2c2, अच्छा अब x square को common ले लो, x square यहाँ पर आएगा 2x square है, तो 2x square को ही common ले लेते हैं, minus 2x square c1 plus c2, okay, अच्छा ठीक है, अब मान लो ये जो c1 plus 2c2 है, इसे हमने c3 मान लिया, ठीक है, let के हमने ये c3 है, and यह plus ले लो, minus 2 into c1 plus c2 इसे अब c4 ले लो, x square, अच्छा अब देखो cf में जो आता है वो क्या c1 plus e to the power something into z plus इस तरह से आता है, ठीक है, तो इसलिए हम x के जगह हम x तो नहीं आता, मतलब x अगर आए तो e to the power x इस तरह से आता है, ऐसा x नहीं आता है, तो इसलिए हम x के जगह e to the power z पुट कर देते हैं, ठीक है, तो पुट करो c1 प्लस x के जगह e to the power z, तो x equals to हमने e to the power z पुट किया, प्लस c4 ये है c3, e to the power z square होगा मतलब 2z, e to the power z whole square मतलब e to the power 2z, अच्छा अब देखो यहाँ पर e to the power z मतलब z का coefficient क्या है 1 and यहाँ पर z का coefficient है 2, तो हमें जो d मिलेगा d होगा 1, 2, ठीक है, d dash equals to हुआ 1, 2, d dash लिया क्योंकि हमने x के जगह e to the power z पुट किया इसलिए हमने d dash लिखा, अच्छा आप देखो इसे, तो देखो ये जो d dash equals to 1, 2 है इस ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है जो यहाँ पर y double dash होगा d square plus p d plus q y equals to 0, ओके okay. p d plus q equals to 0, यहां से हमें मिला है d dash equals to 1, 2, देखो अगर यहां से क्या ये आएगा, हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या है d
dash minus 1 into d dash minus 2 equals to 0 होगा, ये imply कर रहा है, ये होगा, तो this imply क्या होगा, d dash into d minus 1, देखो क्या आता है, d dash into d dash minus 1, minus 2 into d dash minus 1, minus 2 into d dash होगा, minus 2 d dash, and minus minus plus 2 equals to 0, अब देखो, जो d dash होता है, वो d dash into d dash minus 1 क्या होता है, d dash into d dash minus 1 जो होता है, वो होता है, d square, and जो d dash होता है, वो तो d ही होता है, 2d, ठीक है, sorry, एक minute, d dash into d dash minus 1 जो होता है, वो होता है x square into d square, and d dash होता है x d plus 2 equals to 0, okay, तो एक काम करो, यहाँ पर आप बोथ साइड को x से डिवाइड कर दो तो आएगा d square minus 2 by x d plus 2 by x square equals to 0, आप इसे p मान लो, ठीक है, आप इसे p मान लो एंड आप इसे q मान लो, ओके, तो आया ना, दिस ये जो है वो इसका सिमिलर आया ना, ये एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो बोला गया था y1 y2 y3 नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है, तो हमें जो अब देखो, तो हमने जो लेट किया था y1 एंड y2 ये दोनों cf का सॉल्यूशन है, तो हमने ठीक ही लेट किया था, ओके, तो हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, y equals to c1 y1 plus c2 y2 plus y3 y3 क्या है, pi का सॉल्यूशन है, ओके, pi है ये, तो c1 into y1 क्या था, अच्छा एक काम करते हैं, c1 यहां से हमें जो cf मिला था वो क्या मिला था, cf मिला था ये, तो इसे ही हम लिख देते हैं, c3 into x plus c4 into x square plus y3 क्या था, y3 था x into e to the power x minus 2x, अब देखो बात करते हैं हम y1 और y2 को ही क्यों लिया cf का सॉल्यूशन, ठीक है, y1 y2 y3 इन दोनों को हमने क्यों नहीं लिया, लिख लो y2 y3 को ले लो, मान लो cf जो है वो है c1 into y2 plus c2 into y3 है, ठीक है, तो क्या आएगा, c1 into y2 y2 है 2x minus 2x square, y3 है x into e to the power x minus 2x square, अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, x को कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या आएगा 2c1 plus c2 into e to the power x into x, एंड यहां से दोनों minus 2x square जो है कॉमन ले लो, तो आएगा c1 plus c2, ओके, अच्छा, अब देखो यहां पर हम x को अगर हम z पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 2c1 plus c2 e to the power x क्या आएगा, z, ठीक है, अच्छा, एंड x क्या आएगा, ln z minus 2 ln z whole square c1 plus c2, अब एक काम करो, 2c1, ये जो 2c1 है इसे कुछ एक c dash c1 dash दे दो plus z into c2 ln z minus 2 ln z whole square इसे दो c3, अब देखो ये जो differential equation था वो second order था, तो तीन कांस्टेंट मिल रहा है हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता, एंड और एक बात है यहां पर ln x तो नहीं आता, z ln z नहीं आता, e to the power z कुछ समथिंग ऐसा आता है, लेकिन ln z यहां पर ऐसे नहीं आता है, तो ये y1 y2 y3 ये दोनों
CF का सलूशन नहीं होगा. सिमिलरली आप y1 एंड y3 को लेकर भी चेक कर सकते हो. 27 में दिया गया है f एक कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल फंक्शन है, z हमें दिया गया है, तो del z del x plus del z del y को शुद्ध इस हमें प्रूफ करना है. ये हमें z दिया गया है, तो पहले हम del z del x फाइंड करते हैं. ठीक है, del z del x क्या होगा, यहां पर y by f x square plus y square and यहां पर minus x y by f x square plus y square whole square into f dash x square plus y square. इसका करेंगे तो क्या आएगा, dot 2x. ठीक है, and del z del y चाहिए, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो आएगा x by f x square plus y square minus x y by f x square plus y square whole square into f dash x square plus y square into इसे करो तो आएगा 2y. अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, del z del x plus del z del y. इन दोनों को ऐड करो एक साथ तो क्या आएगा, x plus y by f x square plus y square. अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे. ठीक है, माइनस है. अब देखो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, डैश है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 तक इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 into x y by f x square plus y square whole square into f dash x square plus y square. इसे हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों सेम है, तो into x plus y. ओके, अच्छा अब देखो यहां पर n LCM लगाएंगे, LCM लगाकर f x square plus y square होल स्क्वायर, यहां पर होगा x plus y into f x square plus y square. ओके, माइनस 2xy into x plus y into f dash x square plus y square. ओके, अब एक काम करो, यहां से x plus y यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो x plus y कॉमन ले आओ, x plus y by ये है f x square plus y square whole square. ठीक है, into ये क्या है, f x square plus y square minus 2xy f dash x square plus y square. ठीक है, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था. ये है 27b में हमें बोला गया है f होमोजेनियस है and degree half है, तो हमें दिखाना है कि x into del z del x plus y into del z del y equals to z. देखो f एक होमोजेनियस है एंड डिग्री हाफ है. ठीक है, तो एक हम लेट करते हैं कि f equals to f x plus y को क्या मान लो, f x comma x x plus y है root under x, sorry x square नहीं, x plus y. ओके, ये है f x plus y है root under x plus y, तो यहां पर x के जगह आप lambda x put करो, y के जगह lambda y put करो, तो यहां से आएगा lambda x plus lambda y and this equals to आएगा lambda to the power half into root under x plus y. ये root under x plus y क्या है, lambda to half f x comma y, तो f lambda x comma lambda y ये क्या रहा है, this equals to this, तो यहाँ से ये f एक homogeneous हो रहा है and degree half है, तो ये ठीक है, तो हमने जो let किया वो ठीक ही है. अच्छा, तो अब देखो, अब x के जगह ना हम x square and y के जगह y square लिखेंगे, तो f x square plus y square equals to क्या आएगा, root under x square plus y square. अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या, इसका डिग्री क्या होगा. ठीक है, यहां पर डिग्री क्या होगा, तो देखो
यहां पर हम x के जगह अब लैम्डा x ठीक है लैम्डा x पुट करते हैं तो आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर तो दिस इक्वल्स टू यहां से लैम्डा बाहर निकलेगा एंड रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहेगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है fx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो ये f होमोजेनियस है एंड डिग्री क्या आया यहां से 1 आया ठीक है degree is 1 अच्छा आप देखो यहां से fx x स्क्वायर कमा y स्क्वायर जो आ रहा है वो होमोजेनियस है एंड डिग्री 1 है तो del del x f x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y इनटू del del y f x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इक्वल्स टू क्या आएगा 1 इनटू f x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके अच्छा तो इसे आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो तो आएगा f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 2x प्लस y इनटू f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 2y equals to f x square plus y square okay अच्छा अब देखो अब ना हम यहां से f dash common ले रहे हैं तो f dash x square plus y square and यहां पर क्या आएगा 2x square plus 2y square equals to f x square plus y square है इधर अच्छा तो यहां से हमें f डैश क्या निकलेगा f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है f x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके एक चीज देखो आप देखो यहां से हमें क्या निकला f एक होमोजेनियस है डिग्री हाफ है लेकिन यहां से हमें निकला f का डिग्री 1 है ऐसा कैसा हो सकता है क्योंकि देखो यहां पर हमने fx कमा y लिया था एंड यहां पर है fx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसलिए ऐसा हुआ है अच्छा तो अब हमें क्या फाइंड करना है x del z del x plus y del z del y ओके अच्छा तो देखो x into del z del x हमने पहले प्रॉब्लम में 27a में हमने फाइंड किया था कि del z del x जो है वो है y by f x square plus y square minus x y by f x square plus y square का whole square यहां पर होगा f dash into x square plus y square into 2x okay and plus क्या है y into del z del y था x by f x square plus y square minus x y into f dash x square plus y square into 2y by f x square plus y square का whole square ओके okay? अच्छा अब देखो ये क्या है xy by fx square plus y square और ये भी है xy by fx square plus y square इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो आएगा 2xy by f x square plus y square ओके okay? and यहां से क्या मिल रहा है हमें देखो यहां से जो आ रहा है xy into f dash x square plus y square by f this and देखो ये and ये सेम ही है तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस xy by f dash x square plus y square by f x square plus y square का होल स्क्वायर एंड यहां से 2 भी कॉमन आएगा तो इनटू यहां पर है x इनटू x होगा x square plus y into y y square ओके अच्छा अब देखो के इधर जो f dash x square plus y square है इसका वैल्यू ये है तो हम इसे यहां पुट कर देते हैं यहां पर है 2xy by f x square plus y square minus है 2xy by 2xy into है x square plus y square by है f x square plus y square whole square
इनटू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ये है एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो टू से टू कैंसिल एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल एंड एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसका स्क्वायर गया। ठीक है, तो अब देखो दिस माइनस दिस यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ पर टू है यानी यहाँ पर माइनस वन है, तो यहाँ पर रहेगा एक्स वाई बाई एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या था? ये था जेड हमें जो दिया गया था पहले। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था।